देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्मदिवस पर आदरांजलि दे रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी टीचर हैं। उनका जीवन का प्रारंभिक काल उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया और वो भी दूर सुदूर ओडिशा के इंटीरियर इलाके में, और वहीं से उनकी जिंदगी अनेक प्रकार से हमारे लिए ये सुभग संयोग है और ऐसे टीचर राष्ट्रपति के हाथ से आपका सम्मान हुआ है तो ये और आपके लिए गर्व की बात है। देखिए, आज जब देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है, तब शिक्षा के क्षेत्र में राधा कृष्ण जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आप सभी शिक्षकों को, राज्यों में भी इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी मेरी अनेक शिक्षकों से बातचीत करने का मौका मिला, सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग प्रयोग करने वाले लोग हैं, भाषा को अलग होगी, क्षेत्र अलग होगा, समस्याएं अलग होगी, लेकिन ये भी है कि इनके बीच में आप कितने ही कौन हो, आप सबके बीच में एक समानता है और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। और ये समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, और आपने देखा होगा जो सफल टीचर रहा होगा वो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहता है कि चल ये तेरे बस का रोग नहीं है, नहीं कहता है। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूरा, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा, यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है, वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा, वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है, वो सपने बोती है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है कि देख ये सपना पूरा हो सकता है, तुम एक बार संकल्प लो, लग जाओ। आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध कर करके रहता है, यानी सपने से सिद्धि तक की इस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंज के तहत होती है जो किसी टीचर ने उसकी जिंदगी में सपना बोया था, दिया जलाया था, जो उसको कितनी ही चुनौतियों अंधेरों के बीच में भी रास्ता दिखाता है। और देश भी आज नए सपने, नए संकल्प लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा ये उन्हीं पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है। इसका मतलब हुआ कि 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है।